ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, याकनाबदो याकनस्तीन। तो आज जो है ना, एक बुक का मैंने रिव्यू करना है। जो लोग FCPS की तैयारी कर रहे हैं ना, स्पेशली उनके लिए, और बाकी जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के जो है ना, निबा निबीज हैं ना, मतलब है कि स्टूडेंट्स हैं यार वो, कपल्स स्पेशली। अमूमन ये कपल्स की फेवरेट बुक होती है, मजाक कर रहा हूँ। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं ना, ठीक है, तो मीडियम रोबन पढ़ के उसके बाद BRS के जो है ना, वो आपने एक दफ़ा इसके क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो समझें कि आपका पेपर हल है। बिलीव मी, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा किसी बुक की, लेकिन अपना रिव्यू बता रहा हूँ ना। मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर जो है ना, BRS जो है ना, एनाटमी और फिजियो मैंने ऐसा जितनी नहीं की थी, लेकिन एनाटमी जो है ना, वो बड़ी काम की थी, ठीक है। और वहाँ से जो MCQ मैंने किए थे, फिर मैंने एक मैंने मेरी सिस्टर की बुक थी, एल्डर सिस्टर, जो कि उस वक्त FCPS की तैयारी कर रही थी, तो मैं उन्हें आंसर जो है ना, वो करवाया करता था MCQs। जस्ट बिलीव कि इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा है आपको, ना सिर्फ यहाँ पे, बल्कि आप जब FCPS करने जाएंगे तो उस वक्त आपको सारा नॉलेज रिकॉल करना होता है ना, पार्ट वन का जब एग्ज़ाम देते हैं। तो मेरे BRS के जो है ना, मैंने उनको अच्छा खासा रट्टा लगाया हुआ था ना, तो मतलब हमारे एग्ज़ाम के अंदर भी जो है ना, वहाँ से कुछ ना कुछ आ ही जाता था। तो उसकी वजह से मैंने लोगों को FCPS के फर्स्ट ईयर के अंदर, FCPS के सेकंड ईयर के अंदर, FCPS की रात को बैठ के मैं MCQ करवाया करता था, जस्ट चेक द कॉन्फिडेंस लेवल एक फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट का। लेकिन सेम गोज़ टू द पैथो। अगर आप अभी फोर्थ ईयर में या थर्ड ईयर में है ना, तो आप इसका BRS का जो है ना, एक एडिशन ले लें। फिर भी अगर किसी को ना, मैं कोशिश करूँगा इसका जो है ना, वो अपलोड कर दूँ इसका ना PDF बना के, और जिस चीज़ को चाहिए होगा वो मुझसे ले लेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, जैसे मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो एक एक टॉपिक करके ना इनका मैं कर दूँगा, ठीक है। सेल इंजरी, इन्फ्लामेशन, हीमोडाइनमिक्स, मतलब अगर आप नम्स के स्टूडेंट हैं या UHS के हैं, तो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर और इम्यून डेफिशिएंसी, न्यूओप्लेजिया और इन्वायरमेंटल पैथोलॉजी, ये तो यहाँ से एटलीस्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर आप फोर्थ ईयर के हैं, तो हार्ट पैथो, एनीमिया अभी से अच्छा अपना कर लें, आपको नेक्स्ट बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको पैथोमा के लेक्चर देखने की इतनी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने वो जल्दी में देखे हैं ना, तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। हेमरेजिक रिस्पायरेशन, GIT, लीवर, किडनी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल एंडोक्राइन, और स्किन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, GIT, ठीक है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि GIT जो है ना, इसको कवर करके ना, ठीक है, इसके मतलब लेक्चर जो है ना, वो मैं अपलोड कर दूँ। मैंने इसकी जो है ना, मेजर टॉपिक कौन से और माइनर टॉपिक कौन से, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आप कमिंग बैक टू अगेन पुराने वाला जुनेद, के जो डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड किया करता था, ठीक है। नो डाउट अभी कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अभी MCQs कर रहा हूँ, वो व्हाइट बोर्ड वाले पे ऊपर हम दोबारा आ रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी ये बुक मुझे पर्सनली अच्छी लगी है, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। कोई उन्होंने मुझे कोई पैसे ऐसे नहीं दिए कि मेरी बुक रिकमेंड कर दो। थैंक यू सो मच। अच्छी बात फैलाना भी सदका जारी है ना। अल्लाह हाफिज़।